अगर आप लोग प्लांटेशन करके अगर 10 साल के बाद भी अगर आप लोगों के वहाँ पे नेसाइल प्रोसेस से इंसेक्ट नहीं होता, बीच में आप लोग एक प्लांट लगा दीजिए, उसके बाद वो जो इंसेक्ट है उसका भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। एक गाइस ये देखिए, ये जो मैंने बड़ा वाला जो पोलीबैग आता है ब्लैक कलर का, आप लोग जो देख रहा है, यहाँ पे मैंने अगरूद का जो प्लांट है बड़ा वाला प्लांट को, इसको मैं यहाँ पे प्लांटेशन करके रखा हुआ हूँ। 10 प्लांट है और दूसरी जगह में भी मैंने ऐसे ही प्लांटेशन करके रखा हूँ। और गाइस किसलिए मैं मिट्टी के बजाय इसके बड़ा वाला पोलीबैग में मैं प्लांटेशन करके रखा हूँ ये अगरूद का पेड़, इसके बारे में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में सोच के ही मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों का ही हेल्प हो जाए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे 11 पॉलीबैग है बड़ा वाला, और यहाँ पे जो प्लांट है इसका हाइट भी 3 फीट का है, और गाइस जो ये पॉलीबैग है इसका हाइट है 2 फीट, और इसका जो वॉल्यूम है 1 फीट। और गाइस यहाँ पे जो मिट्टी है इसको मैंने रेड वाला मिट्टी लाया हूँ, और इसके पूरा प्रिपेरेशन करके मैं यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जैविक खाद और गोबर और जो कोकोपीट भी यहाँ पे मिक्स करके रेड वाला मिट्टी में मिक्स करके मैं यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत ही उत्कृष्ट मान का है मिट्टी जो है, मैंने 2 महीने के पहले लगाया था, अभी अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। और गाइस इसका जो मेन पॉइंट है ये देखिए, ये जो अगरूद का पेड़ है यहाँ पे होल देखिए गाइस ये, और ये रेजिन भी निकल रहा है। गाइस क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास अगरूद का प्लांट बागीचा भी है, और बहुत लोगों ने क्या ये प्लांटेशन करने के लिए भी सोच रख के रखा है। अगर मेरे से आप लोग प्लान लीजिएगा दूसरे लोगों से, ठीक है, अगर आप लोग प्लांटेशन करके अगर 10 साल के बाद भी अगर आप लोगों के वहाँ पे नेसाइल प्रोसेस से इंसेक्ट नहीं होता, मतलब हमारे यहाँ में क्या होता है गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये नेसाइल प्रोसेस से हुआ है। देखिए गाइस यहाँ पे रेजिन भी निकल रही है, देखिए गाइस मेरे हाथों पे, देखिए देखिए ये खुद ये हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये नेसाइल प्रोसेस ये गॉड गिफ्टेड जैसा ही है। यहाँ पे इंसेक्ट आ जाता है, पूरा इंसेक्ट यहाँ पे होल कट है, उसके बाद ब्लैक वुड बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है आजकल तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से खुद ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करके उसके वहाँ पे केमिकल मेडिसिन डाल के भी आजकल ब्लैक वुड बनते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारे यहाँ तो नेसाइल प्रोसेस से बनते है, अगर इंसेक्ट यहाँ पे पेड़ पे घुसेगा तभी तो वो होल्ड होगा, उसके बाद जो ब्लैक वुड बनने का प्रोसेसिंग आएगा। लेकिन अगर आपके वहाँ इंसेक्ट ही नहीं है तो पेड़ को होल्ड ही नहीं करेगा और नेसाइल प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर मैं जो प्लान लगा रहा हूँ इसको अगर 2-3 साल के बाद ये भी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद अगर जो हमारा साइड पे जो प्लान है ना उससे अगर इंसेक्ट आके यहाँ पे भी अगर घुस जाएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि पेड़ को काट के उसको इंसेक्ट निकाल के आप लोगों के वहाँ लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत पॉसिबल 1% ही पॉसिबल है, 99% ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा या नहीं। और आप लोगों को जो इंसेक्ट को आप लोग तो जोर जबरदस्ती करके ही आप लोगों के पेड़ पे आप लोग घुसाना चाहते है ना, तो अगर होगा भी बहुत कम चांस है उसका बसने का, ठीक है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे एक मुंबई का भाई ने भी सजेस्ट किया था, वो उसने भी मैंने मेरे को बताया था कि भाई ऐसा करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला पॉलीबैग में ये प्लान लगाया हुआ है, अगर मैं 2 साल के बाद देखूंगा अगर यहाँ पे भी अगर इंसेक्ट आ जाएगा, अगर प्लान में इंसेक्ट घुस जाएगा तो मेरे से आप लोग खरीद के, ज्यादा भी प्राइस में नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं हेल्प करने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे पास भी मिट्टी है, मैं मिट्टी में भी लगा सकता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे से खरीद के, तो अगर आप लोगों का पास बड़ा वाला अगर फार्म है तो एक बीच में आप लोग एक प्लान लगा दीजिए, उसके बाद वो जो इंसेक्ट है उसका भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पूरा अगर वो सर्वाइव कर लेगा तो बाकी पेड़ को भी वो होल कर लेगा और नेसाइल प्रोसेस से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे बड़ा वाला पॉलीबैग में इसको रखा हुआ है, और 2 साल के बाद ही मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, खुद भी करूंगा, पहले तो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का ही हेल्प है। अगर हो जाएगा तो नेसाइल प्रोसेस से हो जाएगा तो ज्यादा प्राइस मिलता है आर्टिफिशियल करने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा भी लगता है। सेल प्रोसेस से हो जाए तो कोई भी खर्चा नहीं है, वो तो ऊपर वाला का दिया हुआ दान है। तो अगर हो जाए तो आप लोगों के लिए ही प्रॉफिटेबल है। आज का वीडियो का मेन थीम यही था, क्योंकि आप लोगों का ही हेल्प हो जाए और आप लोगों को मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो जाए। और गाइस ये एक बात बोल दो, आप लोग जितना हो सके अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि जितना प्लान होगा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, कि एक प्लान के लिए इंसेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे भी बहुत लोगों के घर में प्लान नहीं था, लेकिन तब इंसेक्ट नहीं आया था, जब लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, प्लांटेशन करने शुरू कर दिया, तभी तो इंसेक्ट बहुत आने शुरू कर दिया। और अभी तो लोग क्या करते हैं, खाली जमीन देखते ही अगरूद का प्लांट ही लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके गाँव में अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम प्लांट है, क्योंकि तभी तो आप लोगों का ही लाभ होगा और दूसरे लोगों के लाभ होगा। ये मत सोचिए कि हमारा ही लाभ हो या दूसरे लोगों का लाभ नहीं हुआ, तो वो भी आप लोगों का ऊपर वाला भी आप लोगों का साथ नहीं देगा। तो जितना हो सके आप लोगों को दूसरों को भी बताइए कि ये बढ़िया वाला प्लांट है, आप लोग लगाइए, प्लांटेशन कीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बाय, जय हो।